तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति को शुरुआत किए थे और उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि त्रिकोणमिति क्या होता, और साथ ही साथ उसमें हम लोग जो आपके त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो भी हम लोग उसमें डिस्कशन किए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। और पिछले क्लास में जहाँ इस क्लास को हम लोग एंड किए थे, आज की क्लास हम लोग वही शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको त्रिकोणमिति के बारे में कुछ नहीं है भी पता, तो सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले जो पार्ट वन लेक्चर है उन लेक्चरों को बढ़िया से देखें, उसके बाद इसमें आए। चूँकि आज की क्लास में हम लोग कुछ उसका रिविज़न करेंगे और कुछ आगे भी हम लोग बढ़ेंगे, और उस पर जो भी आपका सवाल पूछा जाता है उन सवालों को हम लोग करने वाले। हम आपको ये बता दें कि जैसा ही इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे, इसके बाद आपके बोर्ड की एग्ज़ाम में चाहे वो आपका क्वेश्चन बैंक का सवाल हो, मॉडल पेपर का सवाल हो, इन सारे सवालों को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से करने वाले। और हम ये भी आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में कि इसमें हम लोग मेनली तीन फॉर्मूला को पढ़ेंगे। उसमें क्या है कि एक तो आपका कॉस हो गया, एक साइन हो गया और एक टैन हो गया, और फिर इन तीनों का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि बगैर हम साइन कॉस और टैन के हम इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ये तो फिर बहुत मुश्किल बात है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और जो पिछले क्लास में हम लोग बहुत ऐसे सारे चीज़ें हैं जिसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताए थे कि जब भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो आप लोग को इसमें एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना। आप लोग को हम बताए थे कि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और ये त्रिभुज क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन इसमें हम लोग जो पढ़ना है वो इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना। अब आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये समकोण त्रिभुज होता है क्या, तो ये भी चीज़ें हम आपको बता दिए। देखिए, समकोण त्रिभुज को आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। वो क्या है कि जब भी समकोण त्रिभुज का बात करेगा तो उसमें आपको एक कोण 90 डिग्री देगा, यानी कि 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये आपका त्रिभुज है, और अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब इसमें आप लोग इसको नाम दे दीजिए, मान के चलो इसको हम बी लिख लेते हैं और इसको ए लिख लेते हैं और इसको हम सी लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज है, और कौन सा त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसमें जो कोण बी है वो 90 डिग्री है। अब देखिए, इसमें हम ये आपको समझाए थे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा को हम लोग कैसे निकालेंगे। आप लोग को एक चीज़ पता होगा कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, जैसे एक कोण ये हो गया, एक कोण ये है और एक कोण ये है, तो ये तीनों कोणों का जो योग होता है, जोड़िएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। जैसे हम जोड़ते हैं इसको, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अगर कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री है, ठीक, ये कोण ए हो गया और ये कोण सी हो गया 180 डिग्री, तो आप देखिएगा कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 में से 90 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 90 डिग्री। यानी कि कोण ए
प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। देखिए ये क्या है, हम आपको यही चीज़ बताना चाहते हैं। इसमें है क्या कि अगर आपने एक कोण 90 डिग्री ले लिया तो ये जो दो कोण होगा ये दोनों न्यून कोण होगा। अब कैसे न्यून कोण होगा, तो आप लोग को ये चीज़ पता है कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण होता है कि 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम कहने का मतलब कि आप 60 डिग्री ले लीजिए, 30 डिग्री ले लीजिए, 45 डिग्री ले लीजिए, ये 90 डिग्री से कम है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ये 90 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान के चलो कि हम एक कोण 60 डिग्री लेते हैं, कोण सी मान के चलो कि इसको 60 डिग्री लेते हैं हम, ठीक है बाबू, कोण सी 60 डिग्री, तो कोण ये कितना होगा। तो हम लोग को पता कि तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है उसमें दो कोण मिलाकर 150 डिग्री, यानी कि कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ये कौन सा भारी बात है। और ये दोनों देखिए कि ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, यानी कि दोनों न्यून कोण है। 60 90 से भी कम है और 30 भी 90 से कम है, इसलिए कोण ए और कौन सी 90 डिग्री होगी। आप लोग को कुछ समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम लोग को सीखते हुए चलना। अब देखिए इसमें हम जो पिछले क्लास में आपको बताए थे वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो क्या है वो सुनिए। ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, बहुत ही आपको ध्यान से इन चीज़ों को देखना है। अगर यहाँ पर आपने मिस कर दिया तो फिर ये तो आपका चैप्टर गया। और आप लोग को पता होगा कि इस चैप्टर का अपने आप में कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि हम इस चैप्टर को स्किप करके हम अगला चैप्टर में मेहनत करें या अगला चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से पढ़ें, तो ये तो फिर दिक्कत है भाई। क्योंकि अगर आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हैं और क्वेश्चन बैंक को देखेगा तो उसमें सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। देखिए इसमें हम नाम दे देते हैं कोण ए बी और सी। ये कोण बी को आप 90 डिग्री ले लीजिए, और 90 डिग्री हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये आपका एक त्रिभुज हो गया ए बी और सी, ठीक है। और इसमें कोण बी एक कोण 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और आप लोग को पता है कि यदि समकोण त्रिभुज हो, और ये चीज़ें हम आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ा दिए कि समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं। हाँ, आप लोग को पहले हम बता देते हैं कि लंब इसमें क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है, और ये चीज़ें भी हम आपको बता दिए फर्स्ट क्लास में। देखिए अगर मान के चलो कि हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं, इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, तब हमको इसमें तीन चीज़ देखना, लंब, आधार और कर्ण। ये तीनों चीज़ों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ भी आपको जब तक आप त्रिकोणमिति को पढ़िएगा आपको पीछा नहीं छोड़ सकता ये चीज़। तो अगर हम बात करें तो ये थीटा, इस थीटा के सामने वाली जो भुजा, अगर हम कहें कि इस थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, ए बी, तो जो थीटा के सामने वाली भुजा होता है उसको हम लोग लंब बोलेंगे, लंब, ठीक है। जो थीटा के सामने वाली भुजा होता है वो लंब होता है। अब देखिए थीटा के सामने कौन, ये थीटा, इसके सामने कौन सा भुजा, ये ए बी हो गया, और जो थीटा के नीचे वाला है इसको आप आधार ले लीजिए, इसको आप आधार नाम दे दीजिए, और जो 90 डिग्री के सामने है उसको कर्ण दे दीजिए। और ऐसे भी आप दे सकते हैं कि अगर ये थीटा के सामने है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और जो बच गया वो कर्ण होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम पहले से
को निकाल ले, तो इसके लिए एक सीधा सा तरीका है कि 90 डिग्री के सामने अगर दिख रहा है तो उसको सीधे आप कर्ण मान लीजिए। कर्ण जो होता है ये सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कहने का मतलब क्या हुआ कि इन त्रिभुजों में, इसको में आप देखिए, सबसे बड़ी भुजा कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसमें देखिए ए बी सी में, आपको ये देखिएगा कि जो ए बी है और ये बी सी है, इससे ये बड़ा है ए सी, तो ए सी जो हो गया आपका कर्ण हो गया, ठीक है। इसमें आप लोग ये देखें, ये लंब हो गया थीटा के सामने का भुजा, लंब थीटा के ये नीचे तो आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने है तो इसको हम लोग कर्ण नाम दे दिए। अच्छा, आप लोग को दिमाग में एक चीज़ और आ रहा होगा कि अगर हम थीटा यहाँ ना देके थीटा को यहाँ दे देते हैं, चलिए अगर हम थीटा को यहाँ दे देते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर हम कौन सा किसको लंब लिखेंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको करना क्या है, हम आपको बताए हैं कि जो भी थीटा के सामने की भुजा होगा उसको आप लंब नाम दे दीजिएगा, तो इसको क्या लिख देंगे, फिर लंब लिख देंगे हम, जो इससे नीचे हो गया उसको हम आधार लिख देंगे, ठीक है, और जो बच गया वो हमारा कर्ण हो गया। यानी कि हम यहाँ ये देख रहे हैं कि अगर हम थीटा को चेंज करते हैं, यानी कि इस त्रिभुज में हम कोण को चेंज कर देते हैं, कोण को बदल देते हैं, कोण सी से अगर कोण ए ले लिए फिर भी हमारा कर्ण वही रहा, यानी कि कर्ण में बदलाव नहीं हुआ, सी था ए, कोण ए को ले लिए, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज में देखते हैं, तो समकोण त्रिभुज में एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला, और इसको आप लोग को याद करके रखना कि लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये चीज है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करके रखना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसको आप लोग अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखो ये हो गया लंब, लंब को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो पी का स्क्वायर। आधार को आप लोग क्या लिखते हैं, बेस, बेस को लिखते हैं बी स्क्वायर, और एज को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं कर्ण को, तो इसको लिख सकते हैं आप एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर ये कर्ण का स्क्वायर हो गया। इतना तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसमें हम लोग साइन, कॉस और टैन, इन तीनों चीज़ को देखते हैं, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग साइन को देखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, जैसे साइन थीटा किसी का नाम हो गया, जैसे किसी घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका कोई नाम रख देता है लोग, जो भी रहे नाम रख देता है ना, उसी प्रकार है कि इसमें हम लोग साइन थीटा इसको रख दिए, इसको कॉस थीटा रख दिए और इसको टैन थीटा रख दिए। अब ये चीज़ होता है क्या, इसका फॉर्मूला कहाँ से निकल कर आता है, वो चीज़ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं, जैसे हम एक नया त्रिभुज लेते हैं, देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, इसमें ये कोण मान के चलो 90 डिग्री है, मान के चलो
क्या इसमें हो ही करता है 90 डिग्री एक कोण, ठीक है। देखिए अगर हम इसको सबसे पहले लेते हैं, ठीक है, इसमें हम तो दोनों तरीका से आपको बता दिए हैं कि थीटा के सामने का कोण लंब लेना, थीटा के नीचे आधार लेना और जो बच गया उसको कर्ण लेना। या तो कर्ण अगर लेना भी है तो इसके लिए क्या करना है कि 90 डिग्री के सामने वाले आप कर्ण ले लीजिए, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो हम थीटा के सामने वाली भुजा, इसको हम क्या नाम देते हैं, लंब नाम दे देते हैं इसको। ये थीटा के नीचे वाली है, इसको हम आधार, और जो बच गया उसको कर्ण नाम दे देते हैं, ठीक है, लंब आधार और कर्ण। अब देखिए साइन थीटा कैसे होगा, देखिए साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं फॉर्मूला में लंब और बटा कर्ण, ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, लंब और बटा कर्ण। अगर शॉर्ट में हम इसको लिखें तो लंब को क्या लिखते हैं पी, आधार को बी और कर्ण को एच लिखते हैं। तो यहाँ पर लंब को पी लिखेंगे और कर्ण को एच लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। साइन थीटा बराबर ये हो गया। ये है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण पी बटा एच। कॉस थीटा को लिखेंगे आधार बटा कर्ण, ये आपका आधार है और ये कर्ण है। अरे ये बहुत आसान चीज़ है। इसके बाद आपका टैन थीटा बचा, टैन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार को आप लोग पी बटा बी लिखिएगा। ये तीन फॉर्मूला, और इसको आपको हर हाल में याद करके रखना है। साइन थीटा जैसे आपको साइन थीटा दिखे वहाँ पर लगाना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण अगर बी बटा एच भी इसको लिखेंगे, ठीक है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार पी बटा बी। इसमें तीन और चीज़ होता है, अब कहिएगा तीन और क्या होता, तीस का उल्टा होता। अगर हम साइन का उल्टा लिखे तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इसमें आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यदि हम साइन का उल्टा कॉसेक थीटा लिखते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है उसको भी हम उलट के लिखेंगे। अगर मान के चलो कि हमने साइन थीटा को कॉसेक थीटा लिख देते हैं तो इसको भी हम लोग उलट के लिखेंगे, और इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम लोग उल्टा कर्ण और बटा लंब, और कर्ण बटा लंब को क्या लिख सकते हैं तो एच बटा पी, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग कॉस थीटा को क्या लिखेंगे तो सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा होता है तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग उल्टा लिखेंगे, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार को लिखेंगे एच बटा बी। और तीसरा हम लोग टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा लिखेंगे, और कॉट थीटा यानी कि इसको उल्टा करके लिखेंगे, पहले यहाँ आधार लिखेंगे और फिर लंब लिखेंगे बी बटा,
देखिए इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको याद करके रखना है। एक ये और ये याद करके रखना। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग लंब कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हो गया कि कर्ण कैसे निकालेंगे, आधार कैसे निकालेंगे, ये चीज़ आपको निकालने के लिए आना चाहिए। अगर इन चीज़ों को आप निकाल नहीं सकते हैं तो आप सवाल को नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब हम इसमें एक आध दो सवाल करते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन फॉर्मूला को हम सवाल में कैसे उपयोग में लाते हैं। और आप देखिएगा, हम पिछले क्लास में जब आएंगे सवाल को लेकर, तो उन सवालों को आप देखिएगा कि ये सवाल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है या नहीं पूछा गया। अगर आपको देखना है तो इसके लिए बहुत से यूट्यूब चैनल को आप सर्च करके देख सकते हैं, या तो फिर आपको किसी दोस्त से संपर्क कीजिए और उनसे आप मॉडल सेट को लीजिए, या जो क्वेश्चन बैंक है पिछले साल का उसको देखिए कि आखिर इस प्रकार का सवाल पूछा गया है या नहीं पूछा गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला सवाल इसमें हम लेते हैं और आपको ये सॉल्व नहीं करना, हमको सॉल्व करने के लिए आपको छोड़ दीजिए ये सवाल। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस थीटा का मान निकाले। और आपके एग्जाम में इस प्रकार के बहुत सारे सवाल पूछा गया। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कहता है साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा का मान निकालें। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें जैसा ही आपको साइन थीटा पता चले तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता। अच्छा हाँ, आप लोग को हम थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक बताते हैं समझना। जैसे कि ट्रिक देखो, ये एल ए एल ये लाल हो गया और बटा के ए ये लाल एल ए एल बटा के ए यानी कि कर्ण और आधार। देखो एल को हम लोग बोलते हैं लंब, ए को बोलेंगे आधार, एल को बोलेंगे लंब, ठीक है। के को कर्ण और ए को आधार बोलेंगे। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, इसको लिखेंगे कॉस थीटा और इसको लिखेंगे टैन थीटा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, कहीं अगर नहीं समझ में आए तो ये चीज़ें आप लोग नोट करके रखना है। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर है 3/4। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम और ज़्यादा फॉर्मूला आपको पढ़ाए नहीं है तो उन फॉर्मूला की मदद से आपको नहीं बताएंगे। जिस तरह हम अभी बताए हैं, जितना आपको बताएं उसी तरीका से आपको सॉल्व करने के लिए हम इसको सिखाते हैं। साइन थीटा बराबर 3/4 है, आप लोग को पता है कि साइन थीटा को हम लोग बाबू लंब बटा कर्ण लिखते हैं, और लंब बटा कर्ण को सिंपल तरीके में क्या लिखते हैं, लंब को पी लिखते हैं और कर्ण को एच लिखते हैं, यानी कि इसको 3/4 लिखते हैं। अब देखिए पी बराबर हम लोग 3 ले लेंगे और एच बराबर हम लोग 4 ले लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और इसको हम लोग लिखते हैं पी बटा एच, लंब को पी कर्ण को एच, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो साइन थीटा बराबर
पी बटा एच, पी बटा एच लिखते हैं 3/4। देखिए पी बराबर 3 और एच बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि चलो ठीक है भाई, पी बराबर 3 हो गया, एच बराबर 4 हो गया। अब आप लोग क्या करना है कि चूंकि हमको कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसमें तो हम करते हैं कि एक आधार लिखते हैं और बटा कर्ण लिखते हैं। अब हम लोग तो कर्ण को मालूम कर लिए हैं कि भाई कर्ण यहाँ पर 4 है, कर्ण ना यह है, कर्ण बराबर 4 है। अरे यार, आधार को बी लिखेंगे, कर्ण को एच लिखेंगे, तो एच बराबर तो हम लोग को मालूम हो गया कि 4 है, लेकिन बी कहाँ से लाएंगे? हम लोग को पी पता चल रहा है, तो इसके लिए बी कहाँ से लाएंगे? तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, यहीं पर हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, लंब को पी लिखते हैं, पी का स्क्वायर, आधार को बी लिखते हैं, बी का स्क्वायर, कर्ण को एच लिखते हैं, एच का स्क्वायर। अब देखिए पी बराबर कितना दिया गया, 3 है, तो पी बराबर 3 का स्क्वायर, बी को रहने दीजिए। एच बराबर कितना है, 4 है, तो एच का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो बी का स्क्वायर मान के चलो कि कोई चीज़ अभी लेफ्ट में है, तो अगर इसको हम राइट में ले जाते हैं तो साइन चेंज कर जाता है। साइन कहने का मतलब कि उसका चिन्ह चेंज कर जाता है। जैसे अभी इसका चिन्ह प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस में आएगा तो 9 हो जाएगा, तो 16 से 9 गया तो 7 हो गया, तो यहाँ बी स्क्वायर बराबर 7। अगर हम बी पता करें तो इसके लिए क्या करें, ती स्क्वायर है ना बाबू, जब स्क्वायर को हटाइएगा तो इसके लिए 7 पर रूट आ जाएगा, तो इसको रूट 7। पता चला क्या कि यहाँ से देखो, कोई चीज़ अगर स्क्वायर में रहता है, जैसे मान के चलो कि हम यहाँ पर ए का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, ए का स्क्वायर बराबर 5 कर दिए, तो अगर हम इस स्क्वायर को हटाते हैं तो इसके बदले इस पर रूट लाते हैं। तो देखिए अगर ए स्क्वायर बराबर 5 है, हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इसके बदले इस पर रूट ले जाएंगे, रूट 5। ये चीज़ें आपको पता चला होगा। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी बराबर 7 आ गया, अब कुछ नहीं करना। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी बटा एच, और बी तो हम लोग मालूम कर लिए, रूट 7, और बटा एच हम लोग को पहले ही से पता है, एच पहले ही से पता 4, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, रूट 7/4। और आपको पता नहीं होगा कि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब प्रकार के आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार का सवाल आएगा। अगर हम लोग से ये पूछ ले कि टैन थीटा क्या होगा इसमें, तो आप लोग सोचिएगा कि टैन थीटा क्या है भाई, टैन थीटा का फॉर्मूला लिख दो, टैन थीटा बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं, तो बी पी बटा बी, तो पी और बटा बी, पी कहाँ है, तो आप लोग देखिएगा कि पी 3 है और बी कितना, तो रूट 7 है, पी बटा बी। कितना आसान सवाल है, यानी कि आपको ये चीज़ें करने आना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो कुछ भी हमसे पूछते क्या दिक्कत पड़ता। अगर आपसे पूछ दे कि सेक थीटा क्या होता, चलिए भाई सेक थीटा क्या होता, तो सेक थीटा बराबर हम लोग को पता है कि एच बटा बी होता है। एच देख लेंगे कितना निकला है, एच यहाँ पर देख लेंगे कि अच्छा 4 है, बी देख लेंगे कितना, अच्छा रूट 7 है, यह हमारा सेक थीटा आ गया। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि इस फॉर्मूला का हम लोग कितना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं इन फॉर्मूला का। और अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है
शायद आप लोग बना सकते हैं, लेकिन मेरा तो जितना अनुभव है कि बिना इन फॉर्मूला के आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम इसी पर बेस्ड पूरा सवाल को लेकर आएंगे, और जितना भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इस प्रकार का सवाल पूछा गया है वो सारे सवाल को हम आपको बताएंगे, ठीक है।